दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आपको बता दें कि 90 का दशक भी वो क्या दौर था जब लोगों की जिंदगी दो या चार चैनलों के टेलीविजन पर अटकी हुई थी। और आपको बता दें कि चुनिंदा कार्यक्रम और विज्ञापनों से लोग काफी खुश थे। आज भी उस दौर की सारी बातें लोगों को याद है। जब आपको बता दें कि 90 के दशक के विज्ञापनों की बात हो रही हो तो आपको बता दें कि निर्मा वॉशिंग पाउडर का वो एड भी जुबान पर आता था। इसका जिंदल आज भी लोगों के जहन में ताजा है। और आपको बता दें कि वॉशिंग पाउडर निर्मा का वो गाना भी लोगों को गुनगुनाते हैं और आज भी ये लोग बाग सभी को याद है। और आपको बता दें कि आपने जरूर गौर फरमाया होगा कि निर्मा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर एक लड़की सफेद फोग पहनकर नजर आती थी। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये लड़की क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है? तो दोस्तों वीडियो में आज हम आपको इसी के बारे में सारी कहानी बताने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि साल 1969 में गुजरात के कसन भाई ने निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की थी। और आपको बता दें कि कसन भाई की एक बेटी थी जिससे वो बेहद प्यार करते थे। वैसे तो उनकी बेटी का नाम निरुपमा था लेकिन प्यार से वो अपनी बिटिया को निर्मा कहकर बुलाते थे। और आपको बता दें कि हर एक पिता की तरह कसन भाई भी अपनी बेटी की आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। लेकिन आपको बता दें कि किस्मत का किस पर वश चला है। दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन कहीं जाने के दौरान निरुपमा का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई थी। इस घटना से कसन भाई इस कदर टूट गए थे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। वैसे तो हमेशा से ही इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि उनकी निर्मा बड़ी होकर खूब नाम कमाए, लेकिन असमय निधन हो जाने के उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। लेकिन आपको बता दें इस बात को वो ठान चुके थे कि निर्मा को वो अमर कर देंगे। और उन्होंने निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और पैकेट पर निर्मा की तस्वीर लगाना शुरू कर दी थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ये सफ़र उतना आसान नहीं था क्योंकि उस समय मार्केट में सर्फ जैसे पाउडर का रुतबा छाया हुआ था। और आपको बता दें कि उस वक्त सर्फ की कीमत मात्र 15 रुपये प्रति किलो थी और कसन भाई निर्मा को सिर्फ 3.5 रुपये में किलो की दर से बेचने लगे थे जिसकी आय कम थी। और आपको बता दें कि उन्होंने ये विकल्प बेहतर लगाने धीरे धीरे निर्मा को लोगों तक जानने लगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कसन भाई सरकारी नौकरी करते थे। हर रोज साइकिल से दफ्तर जाने के दौरान रास्ते में लोगों के घरों तक निर्मा वॉशिंग पाउडर बेचते थे। और आपको बता दें अहमदाबाद में लोग एक बड़े स्तर पर अब निर्मा को जानने लगे थे। 3 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर के फॉर्मूले को तैयार कर लिया था। और आपको बता दें इससे बेचने के लिए लेकर बेचने तक हर काम वो काम से सवे करते थे। और आपको बता दें एक वक्त के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और पूरा काम निर्मा पर ध्यान दे दिया था। और आपको बता दें उन्होंने निर्मा के लिए एक टीम का निर्णय भी किया था जो आसपास के दुकान में जाकर इस पाउडर को बेचते थे। अब तक अजीके समय से आने लगे। और आपको बता दें ये है कि ऐसे में कहीं लोग उन्हें जिन्हें कसन भाई उधारी पर माल दिया करते थे लेकिन जब वह पैसे लौटाने की बारी आती थी तो दुकानदार एक लंबा चौड़ा बहाना बता देते और इससे कसन भाई को घाटा होने लगा था। और दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन उन्होंने एक टीम मीटिंग बुलाकर इस बात को घोषणा कर दी थी कि वो बाजार में जितने भी निर्मा के पैकेट है उन सभी को वापस ले आओ। टीम को ये लगा कि कसन भाई अब हार मान चुके हैं और निर्मा अब जल्दी बंद होने वाला है। लेकिन कसन भाई के दिमाग में कुछ और ही दौड़ रहा था। वो अब विज्ञापनों के निवेश करने का फैसला ले चुके थे। और दोस्तों आपको बता दें निर्मा का विज्ञापन एक बहुत ही शानदार जिंगल के साथ टीवी पर आने लगा। देश भर में रातों रात निर्मा के लोगों को ध्यान आकर्षित कर दिया। और आपको बता दें वॉशिंग पाउडर निर्मा का ये गाना लोगों की जुबान पर
चढ़ गया था। और आपको बता दिए निरमा अब केवल गुजरात के अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका था। और आपको बता दिए अब कसन भाई को अपनी पुरानी गलतियों से भी सीख ले चुके थे और उन्होंने अपनी उदारी से माल देना बंद कर दिया था। एक वक्त जिन था दुकानदारों ने उन्हें मुंह तोड़ कर लिया था, वहीं आपको बता दें अब वही उनके पास निरमा मांगने लगे थे। धीरे धीरे उनका मार्केट फार्मूला हिट हो गया। और आपको बता दें कि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी और आज भी लोग निरमा वॉशिंग पाउडर के गाने को याद करते हैं। वाकई में निरमा को अमर बनाने का उनका सपना पूरा हो गया है। तो दोस्तों अब आप जान चुके थे कि निरमा वॉशिंग पाउडर पर जो लड़की बनी वही आती थी उसके बारे में पूरी कहानी। तो दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।